नमस्कार, एएनबी चैनल में शख्सियों से मिलने का दौर जारी है। हम सामाजिक, शिक्षाविद, राजनीतिक हस्तियां और जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनसे मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके संस्थानों के बारे में जानते हैं। और आज हम आपको मिलवाएंगे लिंगायत विद्यापीठ के चांसलर डॉक्टर पिचवेश्वर गड्डे से। उनसे पूछेंगे उनके निजी पहलुओं के बारे में और उनकी शिक्षा कैसे हुई और जो ये लिंगायत विद्यापीठ का जो इतना बड़ा संस्थान खड़ा किया है उसमें उन्होंने कितनी मेहनत की और उनके परिवार के बारे में कुछ पहलू वो भी आपके सामने हम लेके आएंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर पिचवेश्वर गड्डे से। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, इसको छोड़ दीजिए। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ इस मंच पे आने के बाद में आपने बहुत अच्छा अवसर दिया कि हम कुछ बोल सके। एंड मैं तो ये कहूँगा कि लिंगायत विद्यापीठ आई थिंक यहाँ सब जानते ही हैं, 1998 में इसको हमने एस्टेब्लिश किया था लिंगायत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के नाम से। और 10 साल तक जब ये रहा तो 2009 में इसको यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 के UGC के से परमिशन मिली। फिर हम लोगों ने यहाँ पे सारे कोर्सेस जो ऐसे भी रिलेटेड लेके आए जिससे कि आम सिंपल एक आदमी नॉट ओनली कि सिर्फ इंजीनियरिंग करे, हम 52 कोर्सेस को ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि हर आदमी कोई ना कोई पढ़ाई करके अपने बजट के हिसाब से और स्किल डेवलपमेंट को भी हाथ मध्य रखते हुए प्रोफेशनली ट्रेन करके एम्प्लॉयबल तरीके से हम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया और चलवाया। एंड आज मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत ये कि आज की डेट में इनफैक्ट हमारे एलुमनाई की स्ट्रेंथ 17,000 बच्चों से ज़्यादा बड़ी एलुमनाई की स्ट्रेंथ है, जो कि एक बड़ा अच्छा हमारे लिए एसेट है। और बहुत अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं कि साहब आज हम इस टॉप पे, हम इस टॉप पे, अच्छा लगता है कि चलो हमारी शिक्षा से बच्चे कहीं तो अपने एक मकाम पे पहुंचे। जी, यहाँ पे लिंगायत यूनिवर्सिटी में जो लिंगायत विश्वविद्यालय है इसके जो अंदर है 11 कॉलेज हैं, विभिन्न विधाओं में जहां यहां शिक्षा दी जाती है, तो उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि वो क्या क्या हैं और किस तरीके से आप उनको मैनेज करते हैं। देखिए, लिंगायत विद्यापीठ के 11 स्कूल्स हैं बीच में। इसमें एजुकेशन है, फार्मेसी है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, बेसिक साइंसेज, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज। एक सबसे अच्छी हमारी यूनिवर्सिटी की बात मैं एक चीज बताऊं कि हम लोगों ने काफी सारे सब्जेक्ट को इंटरडिसिप्लिनरी भी किया हुआ है। एक बच्चा जैसे अगर वो बीए करता है तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज हम कंप्यूटर वर्कशॉप की भी देते हैं, जिससे कि कल को आम जिंदगी में भी अगर वो कुछ करना चाहे तो एटलीस्ट उसे एक बेसिक नॉलेज हो। ये चीजें देखते हुए हम लोग ये बच्चों को हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि बच्चा कहीं पर भी बाहर निकल के मार ना खाए। दूसरा इंपॉर्टेंट, हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें कि हम चारों तरफ से बच्चे को 360 डिग्री एंगल में बच्चे को खाली पढ़ाई नहीं देते हैं, हम बच्चे को ऐसे तैयार करते हैं कि बच्चा स्टेज पे चढ़े तो कुछ बोल सके, चार आदमी में खड़ा हो सके तो अपने आप को सिद्ध कर सके, आर्ग्यू कर सके, कुछ लिटरेचर में लिखे तो अच्छा लिख सके। इसके लिए यहाँ पे हमारे ईयरली जेस्ट होता है जिसमें कि काफी सारे फिल्म स्टार्स आते हैं और सारा बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बच्चे सीखते हैं कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे प्लान करेंगे इवेंट को। ये सब एक पार्ट है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो क्या हो गया, बट मेरा पैशन, सपोज मेरा पैशन है कि जी मैं बहुत अच्छा डांसर हूं तो मैं इंजीनियरिंग करने के साथ मैं भी डांसर। काफी केसों में आपको ये बड़ी जान के बड़ी हैरानी होगी कि माँ बाप और इनके कहने से बच्चे कोर्स तो ज्वाइन कर लेते हैं, बट जब उनको यहाँ पे एक मौका मिलता है कि अपने इच्छा अनुसार जिस चीज में जाना चाहते हैं उसका भी अवसर मिलता है क्रिएटिविटी दिखाने का, मैं तो बहुत ही खुश हूं कि बहुत सारे बच्चों ने इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी रेडियो के आरजे बने हैं और स्टेज में मॉडल्स बनी हैं और उसके बाद में फिल्म एक्टर बने हैं, लिटरेचर की किताबें लिखी हैं और तो और जर्नलिज्म में भी गए हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि जो हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जो हम सब कुछ जिस तरीके से हम देते हैं, ये शायद एक बड़ा बहुत जरूरी है। मैं अपने यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूँगा, विद्यापीठ लिंगायत विद्यापीठ की बात नहीं करूँगा, मैं सबको यही सलाह दूंगा कि हमें बच्चे को चारों तरह से प्रिपेयर करना जरूरी है जिससे कि कल को वो चाहे पढ़ाई में थोड़ा सा मिडिल कमजोर भी हो
बट उसके में इतने काबिलियत हो कि वो कहीं मार ना खाए और अपनी फैमिली को चला सके। ये सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे बच्चे इसलिए बहुत सक्सेसफुल हैं। और आज की डेट में मतलब मैं तो कहता हूँ 4 लाख से लेकर और 16 लाख तक के पैकेज कैंपस में बैठे बैठे मिलते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हमारी ही मेहनत है, बच्चे भी सीखते हैं, बच्चे भी इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और अपने आप को सिद्ध करके दिखाते हैं जी। अच्छा, एक चीज है कि शिक्षा तो अपनी जगह है ही, अब शिक्षा के बाद जो टारगेट होता है रोजगार का। जब बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है तो उसके दिल में ये होता है कि मेरे को पढ़ने के बाद रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसा मेरी जानकारी में आया है कि लिंग्यार विद्यापीठ बच्चों को रोजगार भी उपलब्ध कराता है, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन भी है और सब पेरेंट्स के लिए भी, सबके लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, लिंग्यास विद्यापीठ में हम लोगों ने सिलेबस और करिकुलम ऐसा डिजाइन किया हुआ है जिससे कि सबसे बड़ा एम्फोसिस है कि इंडस्ट्री में आज क्या चाहिए, हम बच्चे को कैसे तैयार करें। शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है कि आज की डेट में लिंग्यास के बच्चों की नौकरियां एकदम लगती हैं। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इंजीनियरिंग में है, हम पहले 2 साल दैट मीन 4 सेमेस्टर तक हम उसको पूरा इंजीनियरिंग की बेसिक चीजें सिखाते हैं, 5वें सेमेस्टर में उसको टोटल ब्रशअप कराते हैं, 6वें सेमेस्टर में हम कंपनी से जिनसे IBM से कोलैबोरेशन है, इंफोसिस से कोलैबोरेशन है, TCS है हमारे पास में, और उसके बाद में ABB से है हमारा, उनके साथ में कंपनी के जो सिलेबस, जैसे कंपनी चाहती है कि मेरे को बच्चा किस तरह का चाहिए, वो सिलेबस मच करके बच्चे को एक पर्टिकुलर एक मेजर एक माइनर फील्ड में तैयार करते हैं, जिससे कि बच्चा जो है इंडस्ट्री में जो चाहिए उसको 6 सेमेस्टर में उसको तैयार करा देता है, 7 सेमेस्टर में उसको उसका एडवांस बाहर से इंडस्ट्री भेजा जाता है, वहां से बुलाए जाते हैं एक्सपर्ट्स, उनको एडवांस उसको उसमें हाई ट्रेनिंग दी जाती है, 8 सेमेस्टर में जब वो अपने बाहर ट्रेनिंग के लिए जाता है उसी रिलेटेड में उसकी 99% नौकरी वही कंपनियों में अब्सॉर्ब हो जाती है। अब आप इसमें देखिए, बड़ा ये है कि रोजगार किस लिए, आज की पहले होता था कि कंपनी ने इंफोसिस ने आदमी ली है, अपने यहां ट्रेन किया 6 महीने, फिर एक एग्जाम दिलाया किसी कंपनी, आप वो खत्म हो गया है क्योंकि कंपटीटिव मार्केट है, हर कंपनी चाहती है कि हमारे कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ हमारी कंपनी की ट्रेनिंग भी लेके आए, वो हम प्रोवाइड करते हैं 6th और 7th सेमेस्टर में। जब वो 8th सेमेस्टर में जाके अपने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम करता है तो वो बच्चा इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है कंपनी में। ये सबसे बड़ा रहस्य, ये हमारे इसी तरीके से हर कोर्स में ऐसा ही है, एक ही है। दूसरा, हम कम्युनिकेशन स्किल्स और सबसे इंपॉर्टेंट है होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ओवरऑल बच्चे को तैयार करते हैं। देखिए, मेरे को बहुत अच्छा आता है, सब कुछ आता है, बट मेरा अगर टीम वर्क में काम करने का मेरा एटीट्यूड नहीं है तो मेरे को कोई भी कंपनी नहीं लेगी, क्योंकि कल को भी नहीं। इसलिए हम एटीट्यूड डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। अगर मैं कॉन्फिडेंट होकर स्किल कम्युनिकेशन अच्छे नहीं रखता हूं, मैं इंटरव्यू में बोल नहीं पाता हूं, तो मेरे को कंपनी नहीं लेगी। इसलिए हम उसकी तैयारी 2nd सेमेस्टर से ही करना शुरू कर देते हैं। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से कंपनीज इतनी ज्यादा आती हैं यहाँ पे और हम बड़े खुश हैं। मैंने जैसे पहले बताया 4 लाख से लेकर 16 लाख तक कंपनी में जब बच्चों को पैकेज मिलता है, बच्चा एक प्राउडली जाता है कि हाँ साहब मुझे नौकरी मिल गई है। तो ये इस चीज पे हम इंडस्ट्री को साथ में लेके चल रहे हैं, तभी शायद हम सक्सेसफुल हैं, जो कि आज की डेट में बहुत अंधेरी हुई है जी। अच्छा, अब जो शिक्षा और रोजगार का पहलू था वो हमने जाना, अब हम आपसे जानते हैं कि जैसे आप सामाजिक, जिसको सोशल वर्क कहते हैं, उसमें भी लिंग्यार्ड आगे बढ़ चढ़ कर काम करता है। मैंने सुना है कि आसपास के 2-4 गांव में आप उसको उनको गोद लेकर उनमें अच्छे काम कराते हो। दूसरा ये है कि जो कोरोना काल था, कोरोना काल में भी आपने काफी जो है मदद की है प्रशासन की, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये देखिए, ये बहुत ऐसा है कि हम ये नहीं कहते कि हम बहुत कुछ करते हैं, पर हाँ जितनी हमारी हिम्मत होती है, हम चाहते हम नहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए जितना करना चाहते थोड़ा बहुत भी करेगा तो, और ऐसे सभी सोचने लगे तो बहुत कुछ होता है। अब जैसे सिंपल, हमने जैसे आसपास के 9 विलेजेस को अडॉप्ट किया हुआ है, हर वेकेशन में हम बच्चों को उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को लेके आते हैं और उनको हम 3 महीने की जैसे ऑटो मैकेनिक की ट्रेनिंग हो गई, कंप्यूटर रिपेयर की हो गई, डेटा ऑपरेटर की हो गई, या फिर केमिस्ट्री लाते, उनको स्किल डेवलपमेंट का काम कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। उस सर्टिफिकेट से क्या है, हम वो बच्चा जो है कहीं फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन है,
बच्चे को नौकरी मिल जाती है, नहीं है तो हम उसके एक और भी करते हैं, 10,000 रुपए तक हम बच्चे को एक ग्रांट देते हैं कि भाई आप अपना छोटा सा कोई शॉप लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं, और जो जो आप कमाने लगे वापिस करते जाइएगा, सो देट ये आने वाले बच्चों, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ये पैसे लिए और उन्होंने वापस भी किए हैं, 200 रुपए 400 रुपए पर महीना, मैं कहता हूँ बहुत खुशी की बात है। इससे इसलिए हम सोशल वर्किंग सेल्फ एंटरप्रेन्योर में बहुत ध्यान देते हैं। कोरोना आया, हम बहुत घबराए, हमें लगा बहुत खराब हुआ, प्रशासन की तरफ से आया कि भाई आपका हॉस्टल जो है, हॉस्पिटल तो नहीं, आप पूरा दे दीजिए, हमने एक सेकंड नहीं लगाया उनको पूरा कोरोना क्वारंटाइन के लिए, हमने पूरा हॉस्टल, वो आज भी प्रशासन के पास में, हमने कहा हमारी तरफ से बताइए क्या फैसिलिटी चाहिए, इसमें काफी फौजी आके रुके, सबको क्वारंटाइन किया गया एंड हम लोगों ने पूरी सपोर्ट की उन लोगों को, हमने कभी भी, हम इवन हमारे मेस ने खाना तक भी उनको प्रोवाइड किया। अब उसके बाद में फिर हुआ कि गांव-गांव में जगह जगह थोड़ी सी, जैसे लोग बोलते रहे कि भी हाथ धोना चाहिए या सैनिटाइज या डिस्टेंस मास्क मेंटेन करना चाहिए, हमने किट्स बनवाए जिसके अंदर मास्क, सैनिटाइजर और साबुन, और हमने सारे सरपंचों को आसपास को बुला के उनको सबको 5,000 किट्स दिए, हमने 1,00,000 किट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाया, सरपंचों ने अपने गांव में बांटे लोगों ने, क्योंकि काफी कुछ हम बोलते रहे, हमें अवेयरनेस करने की बहुत जरूरत है कि भी कोरोना से बचना कैसे है, और कोई चीज हम जैसे एग्जांपल देके अगर हम करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से सारी कंपनियों ने किया, हम भी कर रहे हैं, और हमने यही सोचा कि भाई जितना जो कर सकता है अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं, हमारा देश पीछे नहीं रहेगा, हमारा देश भी उतना ही उन्नति करके उतना ही आगे पहुंचे। जी अच्छा, अब थोड़ा सा आपसे एक निजी क्वेश्चन, हमने सुना है कि जानकारी में आया है कि जो आपके दादाजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ में काम किया, तो क्या ये जो सामाजिक कार्य है और देश की जो उन्नति में बढ़ चढ़ कार्य करने का जो है, ये प्रेरणा आपको दादाजी से मिली है? बिल्कुल सही कहा, एक्चुअल में क्या है कि हमारे तो शायद खून में ही थोड़ा सा देश के लिए आजादी और देश के लिए, हमारे दादाजी मेरे को अभी भी याद है, बहुत अच्छा होता दादाजी जब हमारे आंध्रा से थे, आंध्रा में जब वो अपने पूरा विप्लव करके, मीन्स तेलुगु में विप्लव मतलब होता है कि उग्रवाद, मतलब उग्रवादी है वो, उन्होंने जब वहाँ पे पूरा अनशन और ये सब किया उन लोगों ने, पूरा सारा ये भविष्य का, विदेशी सामान का भविष्य का ये सब किया। मुझे एक छोटा किस्सा याद है कि हमारे फादर जब पैदा हुए थे तो हमारे दादाजी अंडमान जेल, ब्रिटिशर्स ने अंडमान जेल में उनको बंद किया हुआ था, और 1934 में एक विजय कुमार सिन्हा बिहार के थे, वो भागे आए और उन्होंने बोला तुम्हारे लड़का पैदा हुआ है, तो जमाना ऐसे ही था, हमारे दादाजी ने बोला कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा मैं आपका नाम अपने लड़के देता हूँ, तो हमारे फादर जो कि 2011 में हम वी लॉस्ट हिम, उनका नाम था विजय कुमार सिन्हा गद्दे, मतलब वही नाम। तो बेसिकली नॉट ओनली खून में होना, इवन सोच में भी होना, ये सब सोच के हमें लगा, और दादाजी से तो इतनी प्रेरणा मिली, वो फिफ्थ पास थे, 16 लैंग्वेजेस जानते थे, जब आजादी आ गई वो एक तरफ में बैठ के, साइड में बैठ के उन्होंने कहा मैंने सोशल की सोसाइटी की किताबें लिखूंगा, शरद चंद्र के सारे नॉवेल्स तेलुगु में ट्रांसलेट करके, और उन्होंने सारी किताबें छापी। उसके बाद उन्होंने वुमेन्स के लिए किया, फिर सोसाइटी के लिए किया, और सबसे बड़ी वे जो भी रिजर्व कैटेगरी SC ST के लिए जो था, जिसके लिए क्या लग जाए उसके सोसाइटी की अवेयरनेस के लिए जितना हो सकता था पूरा लिटरेचर किया। जब वो स्ट्रगल से लिटरेचर पे आए, लिटरेचर से हम पढ़ाई की तरफ आए, दैट इज ऑल यूनिवर्सिटी हमारे हिसाब से, हम भी एक साथ ये सोच के चले कि सोसाइटी के लिए कुछ हम भी करें, एंड एजुकेशन इज द बेस्ट मेथड व्हिच वी कैन गिव टू दिस, दैट इज व्हाट वी डू। तो ये थे लिंगजार विद्यापीठ के कुलाधिपति पिचुएश्वर गद्दे जी, और इन्होंने विभिन्न जो पहलुओं हैं उनसे हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए इनका धन्यवाद। ANB से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ANB के लिए मैं BD कौशिक लिंगजार विद्यापीठ से, धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।